हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 की। मुझे टुनटुन सुनना पसंद नहीं। नॉमिनेशन के बाद अभिषेक मल्हान पर वर्की पूजा भट्ट लगाया आरोप। जनाब जी हां जनाब, जियो सिनेमा पर दिखाया जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 हर दिन किसी नए झगड़े को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बना रहता है। पूजा भट्ट के निशाने पर अक्सर कोई ना कोई घर वाला रहता है। पहले आलिया सिद्दीकी और अब अभिषेक मल्हान उनकी रडार पर आ गए हैं। हाल के ही बिग बॉस एपिसोड में सभी घर वालों को अपनी अपनी कीमती चीज का बलिदान देना था। इस बलिदान के बाद घरवालों को एक दूसरे को नॉमिनेट करना था। इस टास्क में अविनाश सचदेव ने अपनी ब्रेसलेट की कुर्बानी दी, जिसे अभिषेक मल्हान ने तोड़ा ताकि पूजा भट्ट को नॉमिनेट किया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। अविनाश ने पूजा को नॉमिनेट करने का कारण बताया कि वह गलत लोगों को सपोर्ट करती है और बेबिका को मोटिवेट करती है। अभिषेक ने अविनाश के स्टेटमेंट में उनका साथ दिया। यह देखते ही पूजा भट्ट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इधर अभिषेक मल्हान ने अविनाश के पूजा को गलत लोगों को सपोर्ट करने के बयान पर उनका साथ दिया। उधर पूजा ने अभिषेक पर बेबिका को बॉडी शेम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पूजा ने यह भी कहा कि किसी को पिंजरे में करके दबाना, मैं इसे जीत नहीं मानती। इस घर में हर हफ्ते दोस्ती बदलती रहती है। जिया शंकर बिग बॉस की नई कैप्टन है। वो नॉमिनेशन प्रक्रिया में सेफ है। इसी के साथ अभिषेक मल्हान भी सुरक्षित है क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें नॉमिनेशन की प्रक्रिया में सुरक्षित रखा है। तो कहीं ना कहीं जनाब, मुझे टुनटुन सुनना पसंद नहीं है, ये पूजा भट्ट ने बोला है। और साथ ही अभिषेक मल्हान को समझाया भी है कि इस तरीके से आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जनाब जय हिंद, जय भारत।